सलमान खान का जो केस चल रहा था, हम उस जगह को देखने जाएंगे जहां लोग कहते हैं कि ये वाला ही घटना हुई थी, जहां पे सलमान वगैरह आया था। अगर किसी को मारते हुए देख ले तो फिर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे व्लॉग्स। सो अभी मैं हूँ जोधपुर में और हॉस्टल से मैंने चेकआउट कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो एकदम मतलब यूनिक है। जोधपुर के आसपास बहुत ही ज़्यादा फेमस एक विलेज है, विश्नोई विलेज, और मेरी गाड़ी भी आ चुकी है। यहाँ से मैं जाऊँगा विश्नोई विलेज और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि विश्नोई विलेज जोधपुर से कैसे कैसे पहुँचते हैं और वहाँ जाके आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ जो मुझे विश्नोई विलेज लेके जाएंगे। तो आज की ये है हमारी सवारी, इसमें बैठ के हम जाएंगे विश्नोई विलेज। और ये है आज के हमारे होस्ट। नमस्ते जी, मेरा नाम अशोक प्रजापत है। जो हमारा विलेज सफारी टूर का नाम है उसका नाम है विलेज सफारी डे टूर्स नाम से। हम जोधपुर में काफ़ी पॉपुलर हैं, एयरबीएनबी पे हॉस्टल्स भी हैं और आज आपको हम दिखाएंगे विश्नोई विलेज के बारे में। और यहाँ से हम पहले सिटी से क्रॉस करके बाहर की ओर जाएंगे, ऑफ राइडिंग भी रहेगी। हम देखेंगे ब्लैक बक्स, डियर, पीकॉक, नीलगाय, सब कुछ देखने के बाद में हम कुछ आर्टिजन फैमिलीज विजिट करेंगे, जैसे ब्लॉक पेंटिंग का काम कैसे करते हैं। और इसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी विजिट करेंगे, यहाँ पे वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं 100 किलो की व्हील के ऊपर। जो स्टोन जोधपुर का पॉपुलर है, उस स्टोन की व्हील बनाई हुई है, उस व्हील के ऊपर वो हाथ से बनाते हैं। उसके बाद में हम एक आर्टिजन फैमिली और विजिट करेंगे जहाँ पे आपको बताएंगे दरी का काम। यहाँ से कितने किलोमीटर होगा ये? अराउंड हम 50 से 60 किलोमीटर घूम कर आएंगे। अप डाउन दोनों सर्कल होगा, राउंड होगा। तो इसके अंदर कितने विलेज आप विजिट करेंगे? अंदर हम कवर करेंगे 3 to 4 विलेज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जोधपुर से विश्नोई विलेज की जर्नी, और जो भी जर्नी में होगा आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करूंगा। हम नेचर में देखेंगे ब्लैक बर्ड, डियर वगैरह, एकदम जहाँ पे 24 साउंड रहेगा बर्ड्स का और उनके जगहने का। तो कल जब मैं गब्बर जी के साथ घूम रहा था ना, तो उनसे मैंने ऐसे बातों में पूछा यार कि यहाँ से विश्नोई विलेज कितना दूर है। उन्होंने बताया यार कि राउंड ट्रिप आपको 50-55 किलोमीटर पड़ जाएगा। पूरा मन नहीं था जाने का 100%। मैं उससे पूछ लेते हैं फिर देखते हैं, यहाँ से निपटने के बाद फिर प्लान बनाते हैं। तो एक फिर सारी चीज़ें कल शाम को निपट गई। काकानी विलेज है, यहाँ से हम स्पॉट करेंगे ब्लैक बर्ड, डियर, पीकॉक, नीलगाय वगैरह, जहाँ पे सलमान वगैरह आया था। अच्छा। ये वो गांव है काकानी, यहाँ पे हम ब्लैक बर्ड नेचर में देखेंगे खुले में, जहाँ पे हमें देखने पड़ेंगे अंदर अंदर डीप डीप में जाके, जहाँ पे ऑफ राइडिंग भी रहेगा हमारा। तो अब ये प्रॉपर एकदम विलेज स्टार्ट हो गया है हमारा विश्नोई विलेज, और यहाँ पे ब्लैक बर्ड दिखने के चांसेस हमारे बढ़ चुके हैं। अब अभी थोड़ा धूप है तो हाँ, देखने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए तालाब वगैरह, धूप में वैसे बाहर नहीं निकलते होंगे वो? एक्चुअली धूप में बाहर नहीं निकलते, बट यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो इसके अंदर वगैरह कहीं से देखने की कोशिश करेंगे। खतरनाक तो नहीं होता ये जगह? मतलब नहीं, अटैक वगैरह करते नहीं। ब्लैक बर्ड ह्यूमन से डरते हैं, न कि वो हंट करते हैं। बट आज से अगर 10 साल बैक जाए तो ब्लैक बर्ड, डियर, इनकी संख्या बहुत काफी थी, एक पूरा क्राउड में रहते थे। बट आज अगर देखें तो ब्लैक बक की संख्या तो बहुत कम हो गई। यहाँ पे लास्ट से लास्ट जो इनकी संख्या होगी वो 20 to 25, इससे ज्यादा नहीं ब्लैक बक की जी। बट डियर थोड़े काफी हैं, डियर यहाँ पे होंगे 100-150, वो भी लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हमारे लक अच्छे तो हमें काफी सारे दिख जाते, वरना एक ही बहुत मुश्किल से दिखता है। काफी सही लोकेशन है, लेकिन डरावनी भी होगी। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है डरावना, बस बट है नहीं, है नहीं। यहाँ पे क्राइम वगैरह कैसा है? क्राइम वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे विश्नोई कम्युनिटी जो बेस्ट है वो ब्लैक बर्ड, डियर और खेजरी का जो पेड़ है, मोस्टली मतलब वो एनिमल्स की रक्षा करते हैं। अच्छा। उनको मारने नहीं देते। अच्छा। अगर किसी को मारते हुए देख ले तो फिर हो गया, तो उसका फिर सलमान वाला, वो फिर सलमान के पास। आप टेंशन ना लो, आप बताओ, मैं सलमान वाला लाइन बिल्कुल भी उसमें रखूंगा ही नहीं, सब काट दूंगा मैं। नहीं, मैं अपनी जान करूंगा। हाँ हाँ, आप मेरे को बताओ, मेरे को जानकारी मिल जाएगा तो ठीक है। जो
कश्मीर कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, मैंने जो आपको बताया था ना कि एक पेड़ को नहीं काटते, वो पेड़ ये है जिसे होली ट्री खेजरी का पेड़ कहते हैं। उतरे दो मिनट। हाँ, पेड़ को ना बारिश की जरूरत है ना पानी, जमीन से ही पानी ऑटोमेटिक खींचता है। इस पेड़ को बारिश की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। नहीं। और जो कैर सांगरी की सब्जी होती है, सांगरी जो लॉन्ग बीन्स होते हैं, वो इसके निकल आते हैं मार्च एंड अप्रैल के टाइम। फिर लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके फिर उसे ड्राई करके फिर वेजिटेबल बनाते हैं, जिसे बोलते हैं पचकुटा। और वो सब्जी बेस्ट है फॉर डायबिटीज़ के लिए। और ये पेड़ जो आपको जैसा आज दिख रहा है ना, वैसे ही आपको अगर आप 10 साल बाद में आएंगी, 15 साल बाद में आएंगी, आप बड़ा हो जाएगा आकार में, बट दिखेगा ऐसा ही ऐसा। इस पेड़ को ओनली फॉर एक ही एनिमल ज़्यादा खाता है, उसका नाम है कैमल। कैमल एक ऐसा जानवर है जो सब तरह के पेड़ खाता है। सबसे ज़्यादा उसे उसके फेवरेट जो ट्री है वो है कांटे वाला। जितने थॉर्न्स वाला पेड़ होगा वो ज़्यादा खाएगा। तो आज की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें अशोक जी देंगे, मतलब मैं क्या ही बताऊंगा। यहाँ ये प्रॉपर इस गांव में रहते हैं, तो इन्हें मेरे से कई ज़्यादा गुना जानकारी होगी। तो इन्हीं के मुँह से आज सारी हम इन्फॉर्मेशन सुनने वाले। आज मैं शांत रहूँगा बिल्कुल। ये वाला वो है वो पेड़ जो कि विश्नोई समुदाय किसी को काटने नहीं देता है, और ना ही कभी खुद काटते हैं। जब होली फेस्टिवल आता है, उस दिन होली बर्न होती है, उस दिन बिश्नोई फैमिली की, स्पेशली बिश्नोई फैमिली के लोग कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते जिस दिन होली बर्न होती है। क्योंकि होली बर्न होती है उसके अंदर पेड़ को काट के फिर जो गांव है, जिस गांव का बीच चौराया है, उस चौराहे पे होली को बर्न करते, होली को जलाते हैं। तो बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर ये स्ट्रिक्ट बैन है कि आप पेड़ को नहीं काटेंगे और ना पेड़ों को जलाएंगे। किसी और चीज़ को मतलब काट के जला सकते हैं? ऐसे तो वो घर पे खाना वगैरह बनाते हैं कांटे वाले, बट स्पेशली इस पेड़ को वो लोग नहीं काटते, क्योंकि जो जिपको मूवमेंट हुआ था वो इस पेड़ के हक करने के बाद में अच्छा। लोगों को साथ में काटा था। बिश्नोई जो कम्युनिटी है वो इस एरिया के अराउंड 250 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। अच्छा। जैसे एक गांव के अंदर 10 घर भी होंगे तो वो काउंट हो जाएंगे 250 किलोमीटर के अंदर। चलते हैं और आगे, अब देखते हैं एनिमल्स जो सलमान के रियल फ्रेंड है, ब्लैक बक डियर। यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं यार, कोशिश करते हैं कि ब्लैक बक हमें यहाँ पे कहीं दिख जाए बिश्नोई विलेज में। आप लोगों को तो काफ़ी पता ही होगा सलमान खान का जो केस चल रहा था, तो इसमें हम देखते हैं कि मतलब सलमान खान से वो इंसिडेंट जो भी हुआ था या नहीं हुआ था वो सलमान जाने, लेकिन हम उस जगह को देखने जाएंगे जहाँ लोग कहते हैं कि ये वाली घटना हुई थी। ठीक है, चलते हैं अब। अंदर अंदर जाएंगे तो सबसे ज्यादा हमें खिजरी के पेड़ ही दिखेंगे। इससे पता चलता है कि यहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। अच्छा। इवन अदर कम्युनिटी के लोग भी नहीं काटते, बट जिस गांव के अंदर बिश्नोई कम्युनिटी के ज्यादा हाउसेज हैं, तो वहाँ पे स्पेशली लोग दूसरे लोगों को नहीं काटना देते। इवन हम तो चलो घर के अंदर रह लेंगे, अभी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, राजस्थान हॉट है, ऑलरेडी राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा हो जी, तो फिर बर्ड्स जानवर वगैरह वो कहाँ पे रहेंगे, उनका हाउस तो एक ट्री है। एक तरह से ये सोच देखी जाए तो बिश्नोई कम्युनिटी की बहुत अच्छी है कि बहुत मतलब अच्छा यार जानवरों के लिए सोच रहे हैं, जानवरों के लिए भी सोच रहे हैं और इवन खुद के लिए भी। और उसके बाद में उससे क्या है कि जितने पेड़ पौधे होंगे उससे बारिश होगी जी, इसलिए राजस्थान डेजर्ट है, उसका रीजन है कि यहाँ पे पेड़ पौधे की कमी है। ये ब्लैक बक है, बट अभी ये छोटा है, ये देखिए बिल्कुल छोटा बच्चा भाग गया।